नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज आपकी मतलब की खबर लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के जरिए आप लोगों तक ऐसी खबरें पहुंचाती हूँ जो आपके हर रोज की जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती है, और आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी खबर लेकर आई हूँ जो आपको सहूलियत देगी, जो आपकी मदद करेगी लाइफ में। दरअसल आप और हम सभी व्हाट्सएप तो पूरी तरीके से यूज करते हैं, व्हाट्सएप के साथ हम कहीं ना कहीं फैमिलियर भी हो चुके हैं, और ये व्हाट्सएप ने ही हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। अगर हम कहीं बैठे हैं और दूसरे शहर में कोई बैठा है, या फिर कह सकते हैं दूसरी कंट्री में कोई बैठा है, और हमें अगर एक दूसरे के साथ फोटो शेयर करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें वीडियो चैट करना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी जो कहीं ना कहीं हमें इस बात की ये कह सकते हैं कि सोचते थे हम इस बात को लेकर कि काश इसी व्हाट्सएप के जरिए हम मनी ट्रांसफर को लेकर भी काम कर सकते तो हमारे लिए ज़िंदगी और भी आसान हो जाती, काम और थोड़ा सा कम हो जाता। अब देखिए, व्हाट्सएप ने आपकी इस डिमांड को पूरा किया है। दरअसल अभी तक आपको अगर पैसे एक जगह से दूसरे जगह पर किसी को भेजने होते हैं, और क्योंकि हम अभी जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल सी बात है कि आपके फ़ोन में अभी जगह बना ली होगी फ़ोन पे ने, पेटीएम ने, गूगल पे ने, और आप इन्हीं ऐप्स के ज़रिए मनी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अब वही व्हाट्सएप जो जिससे आप चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, अब इसने एक और फीचर आपको दिया है पेमेंट का। जी हाँ, बहुत ही आसानी के साथ अब आप अपने व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप अपने व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। दरअसल 2 सालों से इसका ट्रायल चल रहा था, लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से जो है वो परमिशन मिल जाए, सरकार से हरी झंडी मिल जाए। अब सरकार से हरी झंडी मिल गई है तो अब इसे लागू कर दिया गया है, और अगर अब आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट का। वो कैसे कैसे और आप इसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ये मेरा फोन, और इस पे मैं गई व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर जाने के बाद अगर मुझे कहीं पर पैसे भेजने हैं तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जहाँ से आपको फ़ोटो शेयर करनी होती है, आप यहाँ फ़ोटो शेयर पर जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा पास आकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, रुपीज़ का साइन और पेमेंट लिखा हुआ आ गया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पूछ रहा है यहाँ पर, और सेंड एंड रिसीव मनी सिक्योरली विथ UPI, यानी कि आपकी इसमें पूरी सिक्योरिटी है, आपके साथ कोई इसमें फ्रॉड नहीं होगा, आपका पैसा कोई गबन नहीं करने वाला है। बहुत ही आसानी के साथ आप अपने व्हाट्सएप के जरिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी ट्राई कर रहे होंगे, व्हाट्सएप अपना उन्होंने खोला होगा इस खबर को सुनने के बाद, और मे बी शायद आपके पास ये ऑप्शन ना रहा हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल अभी व्हाट्सएप ने लिमिटेड यूज़र्स को ही ये ऑप्शन दिया है। दरअसल भारत के अंदर 40 करोड़ जो यूज़र्स हैं वो भारत के अंदर हैं व्हाट्सएप के, लेकिन जितने भी यूज़र्स हैं सबको ये ऑप्शन अभी व्हाट्सएप ने नहीं दिया है, लिमिटेड यूज़र्स को ही अभी ये ऑप्शन दिया गया है। तो मे बी शायद उनमें से एक आप भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो आपको अपने फ़ोन को एक बार ज़रूर अपडेट करना होगा, और अगर ये ऑप्शन आपको मिल चुका है तो आपको अपडेट करते ही फ़ोन जो है ये ऑप्शन आप देख पाएंगे अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो अब है ना, ये बहुत ही आसान और इजी मेथड मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं, इंटरनेट पर हम डिपेंडेंट हैं, व्हाट्सएप का हम दिन में ना जाने कितने बार इस्तेमाल करते हैं, बेवजह बेफिजूल भी हमारी उंगलियां जो हैं फ़ोन पर चली जाती है, और फ़ोन पर जाती है तो नेचुरली हम एक ना एक बार क्लिक
व्हाट्सएप पर जरूर करते हैं, क्योंकि इसी व्हाट्सएप ने हमें फोटो शेयरिंग का मेथड दिया है, हमें वीडियो कॉलिंग का दिया है, हमें वॉइस कॉलिंग का दिया है। तो इतने ऑप्शंस होने के बाद कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो खल रही थी, वो थी मनी ट्रांसफर को लेकर। अब चुनौतीपूर्ण किसके लिए रहने वाला है, ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इनके लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि व्हाट्सएप जब आपके इतने सारे काम कर रहा है, उसके साथ एक और ये काम यानी कि वो आपका सदस्य बनकर रहेगा आपके फोन में। हो सकता है इसकी जगह पर आप जो है पेटीएम से मुंह मोड़ ले, या गूगल पे से मुंह मोड़ ले, या फोन पे से मुंह मोड़ ले। तो अब ये देखिए चुनौतीपूर्ण है ये इनके लिए। अब देखना होगा कि ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं मार्केट के अंदर व्हाट्सएप के पेमेंट ऑप्शन खुलने के बाद। बहरहाल अगर फाइनली मैं बात करूं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर है इस डिजिटल की दुनिया में। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम इतनी करते हैं तो हमें एक ही ऐप में इतनी सारी चीजें अगर मिल रही है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये, और ऐसी जानकारी क्या आपको अच्छी लगती है, कितना और आप पसंद करते हैं, किस तरीके की और जानकारी आप लेना चाहेंगे। क्योंकि जब जब कुछ ऐसी खबरें आती है मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाती हूँ। कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।